नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जय मदान और आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में नींबू मिर्ची क्या कर रही है। आपको ध्यान है हम कितना सुना करते थे घर के बाहर नींबू मिर्ची लगा दो तो नजर नहीं लगती, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जिसमें मैं मिथ ब्रेक करूंगी। पहले के टाइम में लोग अंधविश्वासी नहीं थे, बहुत साइंटिफिक थे, लेकिन उसको कुछ चीज़ों के साथ जोड़ा गया सो दैट पीपल फॉलो इट। पहले के टाइम में लोग घर की चौखटें छोटी होती थी तो लोग नींबू मिर्ची को टांग दिया करते थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटो रिपेलेंट या इंसेक्ट्स को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दवाइयाँ नहीं थी, तो जब नींबू और मिर्ची को धागे में डाला जाता है तो ये धागा वेट हो जाता है। इस धागे से निकलने वाले जो दोनों के अंदर विटामिन सी होता है, तो जो विटामिन सी से आसपास की एयर होती है इससे मॉस्किटोज इंसेक्ट्स घर के अंदर नहीं आ पाते थे। और क्योंकि उस टाइम पर लोगों के घर में बहुत प्रोटेक्शन नहीं होता था, मिट्टी के घर होते थे, स्टोन्स के घर होते थे, तो जानवर रेप्टाइल सांप वगैरह सब घर में घुस आया करते थे। तो अगर आपको कभी कोई पॉइजनस एनिमल काट ले किसी भी फॉर्म में और अगर वो पॉइजन बॉडी में फैलने लगे और आपको चेक करना हो कि मुझे इंस्टेंट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है या कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसे में जब लोग हरी मिर्ची काट कर देख लेते थे, इंस्टेंट हाथ से काट कर हरी मिर्ची काट कर देख लेते थे, तो अगर आपको किसी पॉइजनस एनिमल ने काटा हो तो आपकी बॉडी की नर्व्स जो है वो नम हो जाती है, आपको मिर्ची का जो स्पाइसी फ्लेवर है या जो नींबू का खट्टा फ्लेवर है वो टंग सेंसेशन फील नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब अब मुझे इमरजेंसी और हेल्प चाहिए। अगर जबान को मिर्ची लग रही है इसका मतलब कोई ऐसे इंसेक्ट ने डाला है जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस नहीं है पर कुछ टाइम स्वेलिंग के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो इन साइंटिफिक रीजंस की वजह से नींबू मिर्ची को घर में घर के बाहर टांगा जाता था कि कीड़े मकौड़े अंदर ना आए, और अगर कोई कीड़ा मकौड़ा काट ले तो आप इंस्टेंटली एक रेडी थिंग लाइक अ फर्स्ट एड थिंग आप इसको तोड़कर काटकर चेक कर ले, इसीलिए इसको बार बार ताज़े तरीके से फ्रेश तरीके से टांगा जाता था। सो वी अंडरस्टैंड कि देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सुपरस्टिशियस एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग विद साइंटिफिक प्रिंसिपल। आई विल ट्राई टू ब्रेक लॉट ऑफ मिथ्स लाइक दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उस समय जो चीज़ें होती थी वो अंधविश्वास नहीं होती थी, उनके पीछे लॉजिक होता था। हमें समझ में नहीं आता तो हम उसको निगेट कर देते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू।